सो दिस इज द केस बिटवीन नेले वर्सेस मैरिट जो कि हुआ था 1930 में. आइए इस केस के बारे में जानते हैं. सो व्हाट आर द फैक्ट्स ऑफ दिस केस. इस केस में क्या होता है, मैरिट ऑफर करता है अपना लैंड बेचने के लिए टू नेले 280 पाउंड्स में. ठीक है, नीले कहता है कि मैं 80 पाउंड्स तो अभी दे दूंगा और बाकी का जो बचा हुआ है 200 पाउंड्स वो मैं 4 मंथली इंस्टॉलमेंट्स में दूंगा जो कि होंगी 50 पाउंड्स ईच. ठीक है, तो मतलब 4 महीने के बाद जाके फुल पेमेंट होगी. ठीक है, मैरिट रिजेक्ट कर देता है एक्सेप्टेंस को. देयरफॉर इसी वजह से नीले स्यू कर देता है मैरिट को फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. नीले के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था, इसीलिए मैरिट जो रिजेक्ट कर रहा था दैट इज़ अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, नीले के हिसाब से मैरिट कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर रहा था. और मैरिट क्या कह रहा था, मैरिट कह रहा था ये कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, मैंने एक्सेप्टेंस आपकी मानी नहीं है, ये आपकी एक्सेप्टेंस ही गलत है. ठीक है, सो देखते हैं क्या होता है. सो इस केस में कौन सा प्रिंसिपल इन्वॉल्व है ये देख लेते हैं पहले. सो द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन दिस केस इज़ दैट एक्सेप्टेंस मस्ट बी क्लियर. एक्सेप्टेंस कैसी होनी चाहिए, वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल साफ होनी चाहिए, अनक्वालिफाइड होनी चाहिए. यानी कि उस एक्सेप्टेंस में कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए. सामने से कोई ऑफर आ रहा है, आप उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट कर सकते हो, लेकिन आप एक्सेप्टेंस के साथ अपनी कंडीशन नहीं दे सकते. अगर आप अपनी कंडीशन देते हो उस एक्सेप्टेंस के साथ, तो वो ऑफर ख़त्म हो जाएगा सामने वाला. ठीक है, एंड मस्ट एग्जैक्टली मैच द ऑफर. ठीक है, एक्सेप्टेंस बिल्कुल मैच करनी चाहिए ऑफर को. और अगर आप एसेंट देते हो, यानी कि अगर आप एक्सेप्टेंस करते हो लेकिन वो एक्सेप्टेंस कंडीशनल होती है, ठीक है, तो वो इनसफिशिएंट हो जाएगी. और इससे क्या होगा, इससे ओरिजिनल जो ऑफर है वो लैप्स हो जाएगा, वो ऑफर ख़त्म हो जाएगा. बल्कि उस वो एसेंट नहीं मानी जाएगी वो, बल्कि आपका एक काउंटर ऑफर माना जाएगा. ठीक है, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेंस बट रेदर अ काउंटर ऑफर, जिसको अगेन सामने वाला जिसने ऑफर दिया था वो एक्सेप्ट करना चाहे तो कर सकता है, और नहीं चाहता वो तो नहीं करेगा वो. ठीक है, सो अब इस केस में क्या हेल्ड होता है, इस केस में क्या डिसीजन निकलता है, दैट जो आपने एक्सेप्टेंस करी है पेमेंट की वो करी है इंस्टॉलमेंट्स में. ठीक है, लेकिन ऑफर में क्या मांगा गया था, 280 पाउंड्स. इससे क्या पता चलता है कि पेमेंट वो एट अ वन टाइम पेमेंट मांग रहे हैं, ना कि इंस्टॉलमेंट्स में, ना कि आने वाले 4 महीनों में. ठीक है, तो आपने जो ऑफर है उसको एज इट इज़ तो एक्सेप्ट नहीं करा है, आपने उसमें वेरिएशन ले आए आप. ठीक है, वेरिएशन ले आए तो आपकी एक्सेप्टेंस मानी नहीं जाएगी. ठीक है, सिंस द नॉर्मल टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ लैंड आर दैट द एंटायर प्राइस इज पेएबल एज अ सिंगल सम ऑफ कंप्लीशन. ठीक है, सेल ऑफ लैंड कैसे होगा, नॉर्मल टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या कहते हैं, कि भैया आपको सिंगल सम में देना है. ठीक है, सो इसीलिए आपने जो एक्सेप्टेंस करी है वो एज इट इज़ एक्सेप्टेंस नहीं करी है, आपने ऑफर को एज इट इज़ एक्सेप्ट नहीं करा है, आपने उसमें वेरिएशन ले आए हो. इससे क्या हुआ, ऑफर जो था, जो एक्चुअल में ऑफर करा था मैरिट ने, वो लैप्स हो गया है, वो ऑफर ख़त्म हो गया है. ठीक है, सो इसीलिए इट वॉज हेल्ड दैट देयर हैड बीन नो एक्सेप्टेंस. कोई एक्सेप्टेंस ही नहीं हुई है. एक्सेप्टेंस या तो फुल होती है, इट शुड बी कम्प्लीट, इट शुड बी अनक्वालिफाइड, इट शुड बी विदाउट एनी कंडीशन. ठीक है, तब वो एक्सेप्टेंस मानी जाती है, तब कॉन्ट्रैक्ट बनता है. ठीक है, सो दैट्स इट. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस वीडियो.